यूं तो नीतीश कुमार ये कहते हैं बिहार में कि वो लालू यादव, तेजस्वी यादव और उनके परिवार को नोटिस ही नहीं करते, नोटिस नहीं लेते हैं। लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या आज जब लालू यादव बिहार की दो चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे और उनके निशाने पर नीतीश कुमार होंगे, तो क्या नीतीश कुमार उनका भाषण नहीं सुनेंगे? नमस्कार, मैं हूं रोहित कुमार। बिहार में बिहार की दो सीटों पर जो उपचुनाव होने वाले हैं, वहां की लड़ाई बेहद रोचक हो चुकी है। खास बात यह कि इस लड़ाई को अंतिम वक्त में और दिलचस्प बनाने के लिए लालू यादव की हुंकार आज बिहार सुनने वाला है। करीब करीब 5 साल बाद एक वक्त था जब लालू यादव नीतीश कुमार के साथ मंच पर होते थे। साल 2015 का वक्त था जब बिहार विधानसभा के चुनाव में महागठबंधन का गठन हुआ और नीतीश कुमार उसके सर्वमान्य नेता हुए। लालू यादव ने नीतीश कुमार के लिए वोट मांगा, ये सब कुछ हुआ और प्रचंड बहुमत की बिहार में सरकार बनी। लेकिन नीतीश कुमार कुछ ही महीनों के बाद जो है महागठबंधन में असहज हो गए और उसकी वजह से नीतीश कुमार जो हैं वो उन्होंने खुद को महागठबंधन से अलग किया और फिर से बीजेपी के साथ आकर के सरकार बना दी। ये सब कुछ हुआ बिहार में। लेकिन इस सब के बीच में जो एक चीज़ जो बिहार को खलती रही वो ये थी कि लालू यादव इसी बीच में चारा घोटाला के मामले में जो है वो रांची के जेल में बंद हो गए और उसके बाद उनकी सेहत ख़राब होने की वजह से उनका इलाज रिम्स और दिल्ली के एम्स में कराया गया। इसी बीच में उनको करीब करीब 3.5 साल के आसपास का वक्त हुआ जब उनको जमानत मिली। जमानत मिलने के बाद वो पटना चले आए और पटना आने के बाद लालू यादव तेजस्वी यादव की जीत पक्की कराने के लिए जो है वो चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे तारापुर और दरभंगा के कुशेश्वर स्थान विधानसभा में। वहां पर 2 रैलियां जो जनसभाएं उनकी होनी है और बड़ी बात ये कि इन जनसभाओं में लालू यादव जो है तेजस्वी यादव के लिए वोट मांगते नजर आएंगे। निशाने पर नीतीश कुमार और केंद्र की मोदी सरकार होगी। बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार जो है अपने सौम्य अंदाज में बात करने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने भी अपने चुनाव प्रचार 2 दिनों के चुनाव प्रचार में एग्रेसिव जो है एक तरीके से चुनाव प्रचार किया। निशाने पर लालू राबड़ी राज्य के जंगल राज्य कहानी थी और ऐसे में अब जब हम बिहार की बात कर रहे हैं तो लालू यादव का अंदाज सबको मालूम है। वो अपने अंदाज से अपने वोटरों से एक तरीके से कहें कि संवाद स्थापित कर लेते हैं और शायद यही कोशिश इस बार भी है कि लालू यादव जो हैं तेजस्वी यादव के लिए एक तरीके से कहें कि उनको जिताने के लिए पूरा दमखम लगाएंगे और दो जो चुनावी जनसभाएं हैं उनको संबोधित करेंगे। ऐसे में नीतीश कुमार क्या उनकी जनसभाओं को सुनेंगे? इस सवाल इसलिए भी क्योंकि नीतीश कुमार पर लालू यादव ने कुछ घंटे पहले ये बड़ा बयान दिया था कि वो बिहार आए ही हैं नीतीश कुमार का विसर्जन करने के लिए। मतलब ये समझिए इसका कि नीतीश कुमार की राजनीतिक जो एक तरीके जो राजनीति है उसका विसर्जन करने के लिए लालू यादव बिहार में आए हैं। हालांकि इस पर जब नीतीश कुमार से सवाल पूछा गया था तो उन्होंने साफ कहा कि लालू यादव को गोली मरवाने आता है और वो इस काम को कर सकते हैं, बाकी उनसे कुछ भी नहीं होने वाला है। ऐसे में नीतीश कुमार भले ही बार बार ये दावा करते रहे हों कि वो लालू या लालू परिवार को तेजस्वी यादव को नोटिस भी नहीं लेते हैं, लेकिन उनके बयानों में इनके प्रति जो खींच है वो नज़र आती रही है। वो अपने विकास की चीज़ों के सहारे लालू राबड़ी राज के जंगल राज की तुलना करते रहे हैं और अब जब लालू यादव आज बिहार के 2 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे तो क्या नीतीश कुमार उनके उस भाषण को नहीं सुनेंगे? या नीतीश कुमार जैसा कहते हैं कि वो इन लोगों को नोटिस नहीं लेते हैं, वैसा ही होने वाला? आपको क्या लगता है जरूर कमेंट करके बताएं। लालू यादव की चुनावी जनसभाओं के संबोधन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले लेकर के हाजिर होंगे न्यूज़ फॉर नेशन पर आज दिन भर। नमस्कार।